रेल पुत्र राजकली। जी बाबा। वाकई तू शहर जा रहा है? बाबा आपको इस पिंड को और दरगाह को छोड़ के जाने का दिल तो नहीं चाह रहा, मगर शहनाज की जीत है, उसकी रजा को ना कहने का हौसला नहीं पड़ रहा, और आपकी भी तो यही तालीम है। देख मेरा पुत्र, मैं आज भी यही कहता हूं और हमेशा यही कहूंगा कि इश्क में ना नहीं है, हाँ, मगर ऐसी हाँ जिससे ईमान को खतरा हो, ऐसी हाँ से तो फिर ना ही बेहतर। लो भला, शहनाज के साथ शहर जाने में मेरे ईमान को क्या खतरा हो सकता है बाबा? हो सकता है पुत्र, हो सकता है। अब देखना, तेरा वहां शहर में रहने का कोई ठा ठिकाना तो है नहीं, और शहनाज के साथ तेरा कोई ईमानी रिश्ता नहीं है। भले तो उससे इश्क करता है, पर तुम दोनों के साथ रहने में तुम्हारे दरमियान किसी जायज रिश्ते का होना बहुत जरूरी है। बाबा आपका इशारा शादी की तरफ तो नहीं है? हाँ पुत्र, उसी तरफ है। देख, एक मर्द और एक औरत के दरमियान पाकीजा इश्क सिर्फ निकाह से ही मुमकिन है, और अल्लाह ना करे कोई ऊंच नीच हो जाए तो फिर तो तू इश्क हकीकी से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जाएगा। तो बाबा, महबूब की रजा को अकल के तकाजों पर भी तोलना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अगर इश्क मजाजी है तो उसकी हर रजा पर ना कहना जरूरी है, और अगर महबूब ऐसी ना पर इसरार करे तो फिर समझ जाओ कि इश्क में शैतानी आमेजिश है, और ऐसे इश्क से दूर रहना ही अच्छा है। बाबा, अगर इश्क बहुत कीमती शय का तकाजा कर ले तो पुत्र जी, फिर ना कहने से तो इश्क की बेहुर्मती है। बस तो फिर समझ लो कि इश्क मजाजी के तकाजे भी इश्क हकीकी से मिलते जुलते हैं। समझ गया बाबा, बिल्कुल समझ गया। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ, वो लोग आ गए होंगे। अच्छा चल ठीक है पुत्र, खैर से जा और खैर से आ। जा शाबाश। हक अल्लाह, पाक ज़ात अल्लाह, इश्क अव्वल इश्क आखिर, इश्क अव्वल इश्क आखिर।